हेलो, इस वीडियो में हम स्टोरेज डिवाइसेस या एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बात करेंगे। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो यह कंप्यूटर की स्टोरेज की जगह होती है। यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कंप्यूटर के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी और सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस। सीपीयू प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करता है, पर सेकेंडरी या स्टोरेज मेमोरी बैकअप मेमोरी होती है जिसका उपयोग डेटा को ज़्यादा समय के लिए स्टोर करना होता है। स्टोरेज मेमोरी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो चलता है। इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और उसकी बैकअप कॉपी बनाकर रख सकते हैं। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने में भी काम आता है। स्टोरेज डिवाइसेस अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव, टेप ड्राइव आदि। पुराने कंप्यूटर्स में स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था जो कि कागज से बने होते थे। आजकल के स्टोरेज डिवाइस या तो मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस होते हैं। तो आज हम इन सब स्टोरेज डिवाइसेस को एक एक करके देखेंगे। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस दो प्रकार के होते हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क आमतौर पर कंप्यूटर के अंदर होती है, पर पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी होते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर एक स्पिंडल या धुरा होता है जिस पर एक या एक से अधिक रोटेटिंग डिस्क होता है, इसे प्लैटर्स भी कहते हैं। इन डिस्क पर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग करी होती है। इसमें एक मैग्नेटिक हेड भी होता है जिसके उपयोग से डिस्क पर से डेटा पढ़ा या लिखा जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। कंप्यूटर में फ्लॉपी ड्राइव थे जिसमें फ्लॉपी डाली जाती थी। ये फ्लॉपी 5.25 इंच और 3.5 इंच आकार की आती थी। क्योंकि उनकी डेटा कैपेसिटी बहुत कम थी, आजकल पेन ड्राइव ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। अब हम ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस देखेंगे जिसमें है सीडी, डीवीडीज एंड ब्लूरे डिस्क। ये डेटा स्टोर करने के लिए लेज़र और लाइट का उपयोग करते हैं। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये पोर्टेबल होते हैं और 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम सीडी रोम की बात करेंगे, मतलब सीडी रीड ओनली मेमोरी, जिसमें से आप केवल डेटा पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। फिर आता है सीडीआर और सीडी रिकॉर्डेबल, जहां डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है पर फिर कई बार आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर आता है सीडीआरडब्ल्यू और सीडी रीराइटेबल। इसमें डेटा को कई बार लिखा जा सकता है, इसलिए इसे इरेजिबल सीडी भी कहते हैं। अब हम डीवीडीज के बारे में बात करेंगे। डीवीडीज का मतलब है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी सीडी की तुलना में लगभग 10 गुना है और सीडी से 20 गुना तेज भी है। डीवीडी तीन प्रकार में आते हैं। पहली है डीवीडीआर या डीवीडी रिकॉर्डेबल। यहाँ डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है और फिर कई बार पढ़ा जा सकता है। फिर आता है DVD-RW और DVD-Rewritable। इसमें डेटा को कई बार लिखा या पढ़ा जा सकता है। फिर आता है ब्लू-रे। इसका नाम ब्लू लेजर से आता है जो डीवीडी की लाल लेजर से अलग होता है। इसकी वजह से ये अधिक डेटा स्टोर कर पाते हैं। इनके हर लेयर में 25 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं और इनका ड्यूल लेयर ट्रिपल लेयर डिस्क भी होता है जो और ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। अब हम फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। इसमें है USB फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड और SD कार्ड। ये अब बहुत लोकप्रिय हो गए हैं क्योंकि यह बहुत सस्ते, रिलायबल और यूज़ करने में बहुत आसान हैं। USB फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव एक पोर्टेबल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है जो हमारे अंगूठे जितना छोटा होता है और कंप्यूटर के USB पोर्ट से कनेक्ट होता है।
ये 1 TB तक डेटा स्टोर कर सकता है। इसके कॉम्पैक्ट साइज, फास्ट स्पीड और सुविधाजनक होने के कारण आजकल फाइल्स को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए बहुत पॉपुलर है। मेमोरी कार्ड का उपयोग अक्सर फोटो कैमरास, स्मार्टफोन्स और गेम कंसोल्स में किया जाता है। यह 128 GB तक डेटा स्टोर कर सकता है। SD और सिक्योर डिजिटल कार्ड माइक्रो SD या मिनी SD आकार में भी आता है। आजकल ऑनलाइन या क्लाउड में डेटा स्टोर करने की लोकप्रियता बढ़ गई है, क्योंकि लोग एक से अधिक डिवाइस से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जब हम क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं, तो ये एक्चुअली इंटरनेट के रिमोट सर्वर्स पे स्टोर होता है, जो या तो मैग्नेटिक या ऑप्टिकल डिवाइस ही होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड बाय।